जी नाज़िम, वेलकम बैक इन सियासी चाय टाइम। और आज हम चाय टाइम करें मंजू वसान साहब के घर में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनके ड्राइंग रूम में। बहुत बड़ा घर है इनका, ऊपर इनकी फैमिली रहती है, नीचे इनका पूरा ऑफिशियल काम होता है और तांता बंधा रहता है लोगों का। लेकिन आज इन्होंने हमें टाइम दिया, मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका वसान साहब। हम लोगों ने ब्रेक के दौरान, मैंने सोचा कि इनसे कोई शेर सुनूँ, लेकिन कह रहे आपने मुझसे बोला ना अभी कि हालात, देखो हालात ऐसे हैं, शायद जो आता भी था जहन में वो भी हम भूल गए हैं। हालात इतने खराब है हमारे, नहीं ठीक है, लेकिन सडनली कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है। उन्होंने मुझसे भी कहा जब तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मुझे कैसे याद आएगा, लेकिन आपकी मेमोरी बहुत तेज है, ये मुझे अंदाजा हो गया। कैसे अंदाजा हो गया? आपने जिस फटाक फटाक आप मुझे वो डेट्स बता रहे थे ना अपनी, कि इस वक्त युवा, इस वक्त युवा, फिफ्थ जैन, ये वो, जबकि फिफ्थ जैन तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, लेकिन वैसे आपको इयर्स भी याद है। हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं ना, हमें पता है ना कि किस तरह से फेस किया है। अब वो नहीं है कि आज वाले पार्टी वाले आ गए, 90s के बाद आए, 93 के बाद आए, हम तो पुराने हैं ना, जैसे फाउंडर आप यूँ समझें। कौन सा सियासतदान बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाता है, समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं? वो अगर मैं कहूँगा तो वो कहेंगे कि भाई मैं कहूँगा तो नहीं, मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा लगता हो कि यार ये रिलेटिवली सही बात नहीं कर रहा होता, बता दें, ये कोई नहीं दिखे, नहीं कोई ना कोई होगा, आपको इल्म होगा, क्योंकि मैं इस कंट्रोवर्शियल में नहीं। अच्छी बताएं, पार्टी से है, पार्टी के बाहर है? है पार्टी के। ओए होए डन है जी, कोई बात नहीं, मत बताएं अच्छा कोई फिल्में वगैरह देखते हैं या फैमिली के साथ बैठ के कभी मौका मिला फिल्में देखने? नहीं, कभी कभी फैमिली के साथ देखते हैं। अच्छा आखिरी फिल्म कोई याद है जो देखी है अभी? अभी तो एज अ होम मिनिस्टर के बाद, तो बनने के बाद मैंने नहीं देखी। और जब तक होम मिनिस्टर रहेंगे तब तक देखेंगे भी नहीं? नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे इंशाल्लाह, अब हालात ठीक है, अब देखें। अच्छा बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस पसंद है? देखिए मैं, मुझे तो सब एक्ट्रेस, ये ना शायद ब्लश करने लगते हैं किसी लड़की की बात करते हैं, इतने लाल हो जाते हैं इधर से। नहीं मुझे पसंद है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल में एक अगर से एक से दूसरी देखें, दूसरी से तीसरी, जिसकी अदाकारा है, जिनका इस फिल्म में काम है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। एक पे एक का नाम हम लेंगे, एक का नाम लेंगे तो एक नाम बताए ना कोई एक्ट्रेस। कटरीना हो गई, करीना हो गई, शिल्पा शेट्टी हो गई, सुष्मिता हो गई, कौन पसंद है कोई एक? अच्छा आप कह रही हो अगर इंसिस्ट कर रही हो हाँ। तो करीना कपूर सान साहब मेरी भी फेवरेट, अल्लाह करीना कपूर मुझे बहुत पसंद है। कभी मैं इंडिया जाने का मौका हुआ ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ शायद करीना को इनवाइट करेंगे, इधर फंक्शन करा रहे हैं इनको, तो प्लीज मुझे बुला लीजिएगा। इनवाइट कर रहे हैं उनको, तो आप कर लेंगे, मुझे कर लीजिएगा इनवाइट, आपको जरूर करेंगे ना? कैसे आप ऑनर बोल दें कि सिने को बुलाऊंगा मैं, बिल्कुल आपको बुलाएंगे। ठीक है अच्छा, और चले और आसानी के लिए बताएं, हमारे हॉलीवुड कह रही हूँ, हमारे लॉलीवुड में तो 3-4 एक्ट्रेसेस हैं, कौन पसंद है? रीमा, मीरा, वीना, इन तीनों में से? मेरे ख्याल में रीमा। रीमा रीमा बहुत सटल हैं और बहुत ही, अब उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया। वीना मलिक के बारे में क्या कहेंगे आपको, जो उन्होंने किया जाके वो सही था? वीना जो किया जानते हैं वीना को या नहीं? उनका अपना अब इंडिविजुअली एक सोच है, लेकिन हम तो डिसएग्री करेंगे, हम तो उनको अप्रिशिएट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, जिस तरह उन्होंने किया, किस हद तक जाना। लेकिन कोई हमारा जैसे पाकिस्तान की अगर इंटेग्रिटी पर उन्होंने बात की वहाँ जाके, या उसको तो हार्म करने की कोशिश की, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा उनके खिलाफ कभी भी? नहीं मेरे ख्याल में जो कुछ बातें की हैं वो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है अच्छा मुझे बताएं कि अभी मैं लोगों से बात करी थी तो मैंने ये भी सुना कि आपकी जो सिक्योरिटी पे या लोग मामूर हैं या जो आपके साथ काम करते हैं बड़े सखी दिल हैं, और जो आपके साथ होते हैं उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, तो आप सखावत में काफ़ी मशहूर हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये आज से नहीं, बचपन से हैबिट है ये है। मैं अगर आप मेरे कॉन्स्टेंट में आप जाएंगे ना तो वहाँ पूछ सकती हैं, ये आज से नहीं, ये 25 साल पहले ही, छोटा बच्चा था उस वक्त से ही, उस वक्त हो सकता कि 2 रुपया 5 रुपया देता रहता था, सही, अब अल्लाह ने कुछ दिया है तो ज़्यादा देना पड़ता है। तो सखी है ना आप? सखी तो और हैं, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश। ठीक है नाज़रीन, तो सखावत हम इनकी देखूंगी कितनी सखी हैं और क्या क्या कुछ देते हैं लोगों को। जी वसान साहब मुझे बताइएगा कि कॉलेज की तो हमने आपसे बात की, सब चीज़ें बात की, आपने पढ़ा भी और आपके को एड भी था, और अप्रिशिएट करते हैं आप खूबसूरती को, वैसे दिल फेंक इंसान है या नहीं? दिल फेंक इंसान होंगे ना, कैसे नहीं होंगे? नहीं लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हम दिल फेंक नहीं है, ये तो ये सच बोलना बहुत बड़ी बात है। क्या है खूबसूरती तो खूबसूरत को तो अप्रिशिएट किया जाता है, उसमें क्या हर्ज है? करना चाहिए, लेकिन कभी बीवी ने बोला नहीं माना कि क्यों तारीफ कर रहे हो उसकी? नहीं हमारे ऐसी बीवियाँ हैं ही नहीं, अच्छी साथ साथ देती है।
अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिए, खूबसूरती को अप्रिशिएट करें जितना कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, गलत नहीं, अच्छी बात है ना, ये अल्लाह ने ही पैदा की हुई है चीज़ें, तो उसको अप्रिशिएट करना को कौन सा हर्ज है। आपकी बीवी से मिलना है मुझे। हाँ बिल्कुल मिले, नहीं नहीं बिल्कुल मिले, नहीं नहीं मैं ज़रूर मिलूंगी शो के बाद इनसे, ज़रूर इनके बच्चों से भी मिलूंगी। फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं आप? आई एम श्योर आपको फारिग वक्त मिलता नहीं होगा। नहीं एक्चुअली मिलता नहीं है, लेकिन कोशिश यही होती है कि टीवी चैनल्स देखें। कभी कभी वो छोटी बच्ची है हमारी, वो कॉन्वेंट में पढ़ती है, तो वो फिल्म लगा लेती है कोई ना कोई ऐसी। इंडियन ड्रामे देखते हैं? हाँ इंडियन ड्रामे भी कभी कभी देखते हैं। हाँ कभी कभी। स्टार प्लस के देखते हैं, सोनी के देखते हैं? स्टार प्लस के। आसान साहब अब तो पुराने हो गए स्टार प्लस के ड्रामे तो। अब तो देखो ना, अब वो पुराने, मैं भी पुरानी बात कर रहा हूँ ना, अब हाँ। तो मैंने तो कहा ये इतना टाइम मिल ही नहीं रहा है ना। अच्छा लेकिन वैसे आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग पर्सन है? हाँ, या ये मेरी है बेटा, अर्ली इन द मॉर्निंग में 8 बजे उठ जाते हैं। अच्छा रात को लेट सोते हैं कभी? बेशक मैं 6 बजे सोऊं, उठना 8 बजे, उसके बाद दोपहर के बाद यानी यूँ समझे कि 4:30, 5, 5 to 6 तक मैं 1 घंटा सो लेता हूँ। कैलूला करते हैं उसको, क्या होता है कैलूला कहते थे ना उसे, कि अब बस रेस्ट ले लेते हैं। हाँ ये अच्छी बात है, रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि आप पूरे वक्त इतना बिजी रहते हैं। क्योंकि मैं इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग बाहर है, उठना पड़ता है, वजह ये है कि लोग आ जाते हैं, अगर उनको वेट कराएंगे तो वो नेगेटिव जाएंगे, उनका जो भी काम है ऑफिस आवर्स में वो कराने की। अच्छा मुझे बताएं लोड शेडिंग होती है आपके यहाँ? खास करके इस डिफेंस में कम होती है। मैंने जब KEC वालों से पूछा क्यों कम होती है, उन्होंने कहा कि ये अर्निंग वाली एरिया है, जहाँ जहाँ अर्निंग ज़्यादा होती है तो वहाँ ये लोड शेडिंग कम करते हैं। अगर कभी कभी हो भी जाती है तो फिर। लेकिन अभी तो नवीन कुमार साहब ने कहा था कि लोड शेडिंग खत्म कर दी है, ऐसी बात उन्होंने कही कैसे टीवी पर आके, जब उनको पता था कि लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही है, हमारे घर 3-3 दफ़ा लाइट जा रही है। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट थी कि अब खत्म होगी, अब होने वाली है, इंशाल्लाह हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी बहुत जल्द, हम खबर सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वसान साहब। और ये इन्होंने 2-3 बातें जैसी करी है इन्होंने जो हम ऑन द रिकॉर्ड रखेंगे। एक तो इन्होंने कहा लोड शेडिंग बंद हो जाएगी इंशाल्लाह, जो होनी है इंशाल्लाह। और डेट वगैरह नहीं देता हूँ इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि बजट के दौरान ये अच्छी खुशखबरियाँ मिलने वाली गरीबों को, अच्छी खासी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। वो पिछले साल भी यही बोलते हैं, नहीं ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बजट में खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, डबल सवारी पे पाबंदी नहीं लगेगी इंशाल्लाह, अगर हालात सही रहे इंशाल्लाह। कोशिश इन लोगों की पूरी पूरी जारी है। देखिए 3 इवेंट्स तो अच्छे हमारे लिए डिफिकल्ट थे, गुजर गए अशूरा, चेलम और बारा रबी अलव, और बहुत आई एम श्योर आप लोग बहुत मेहनत करते हैं वसान साहब। इसी दौरान अल्लाह के फजल से हमें डबल सवारी की भी पाबंदी इसी दौरान लगने का, और आपने पहले रबीउल में भी लगाई थी शुरू में तो उसको हटा दिया था बाद में, लेकिन अब वितरा हो गई है और 3 ही इवेंट्स अल्लाह के फजल से खैरियत से गुजर गए। अब कमिंग डेज में तो मेरे ख्याल में हम स्ट्रीट क्राइम पे तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह डबल सवारी पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। अच्छा सिनेमा जाने का भी शौक है, कभी गए सिनेमा आखिरी बार? इंशाल्लाह अब जाएंगे तो आपको भी लेके जाएंगे। कौन सी मूवी देखेंगे? करीना की देखेंगे साथ, वो ठीक है, करीना का करीना की भी आने वाली है ना, तो बस बुकिंग करा लेते हैं, आप सब चलेंगे आपका ठीक है जी। इनकी फैमिली मैं और हम सब जाके करीना की कोई नई मूवी देखेंगे। मुझे मेरे साथ एक और लड़की होती है ज़ायला, वो आज है नहीं क्योंकि उनको भी लेके जाएंगे और हम सब साथ जाएंगे, और मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनको करीना पसंद हो। तो अच्छा करीना को तो बता दिया, कोई एक्टर तो बताएं पसंद है कोई? एक्टर शाहरुख, शाहरुख खान फिट है। अच्छा अच्छा वसान साहब हम कोई गाना गाएंगे पुराना, सही है? मैं स्टार्ट करती हूँ, आपने साथ गाने हैं? बिल्कुल कोशिश करो। अच्छा हम गाएंगे चले तेरी गली में। अच्छा मैं गाती हूँ, आप मुझे फॉलो करें। तेरी गलियों में रखेंगे कदम आज के बाद नहीं रखेंगे कदम। किसी के लिए गाया था ये गाना कभी? कभी कभी गाते थे, आप तो भूल गए। अच्छा सिर्फ सैड होते थे तो गाते थे गाने ऐसे जी? सुनते थे या सैड होते थे जब कोई you know, नहीं वो तो ऐसे गाने मेडिटेशन के थे या किसी और के थे। किसी को प्रपोज किया था कभी? अब टाइम गुजर गया, क्या टाइम नहीं गुजरता मसान साहब सीरियसली। हाँ टाइम तो रहता है, मर्द के पास टाइम रहता है, खवातीन के पास ख़त्म हो जाता है। तो आपने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया? आप ये और अब भी नहीं करेंगे? अब वो तो वक्त बताए, कोई ऐसी चीज वक्त बताएगा ना, मैं क्या कह रहा हूँ ये पहले थोड़ी ऑन द रिकॉर्ड ये बात भी है, वक्त बताएगा कुछ पता नहीं है। किसी वक्त भी दिल, हाँ किसी भी दिल तो किसी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है।
अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो अभी तक नहीं की और करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में मेरी ये कोशिश रहेगी कि कुछ अपने इलाके में, खैरपुर में हॉस्पिटल ऐसी होनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग जो अफोर्ड ना कर सकें उनको मदद कर सकें। आपके लिए एक और गाना याद आ गया मुझे के? बचना है हसीनों, बचना बचना हसीनों। अच्छा, इनमें वो लय नहीं है बिल्कुल भी, ये पढ़ते हैं गाना, मतलब बोलते हैं गाना। लेकिन मसान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पे देख के कुछ मैसेज देना चाहें अपनी आवाम को, थोड़ा सा दे दें, फिर ज़्यादा चाहेंगे। मेरे ख्याल में आवाम को मैं अपील करूँगा कि जिस जमहूरियत के खातिर आपने वोट दिया, उसी तरह आप कमिंग इलेक्शन में भी, 5 साल जब हम कंप्लीट करेंगे, वो एक अलग बात है कि हम इसी साल इंशाल्लाह अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो ही इलेक्ट करें जो आपके हमदर्द हैं और जो आपके साथ हमेशा काम आते रहें। ठीक है बसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ऑन दी रिकॉर्ड बातें करने के लिए, डबल सवारी पे बात करने के लिए, दिल फेंक होने पे बात करने के लिए, बीवियों पे बात करने के लिए। दिल फेंक के बाद फिर मेरे घर में लड़ाई हो जाए। नहीं नहीं, मैं आपकी बीवी से मिलूंगी ना अभी। और नहीं, सच बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है, सच का साथ देना बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने ये भी बताया कि कुछ पता नहीं है, किसी वक्त भी दिला सकता है नाज़रीन, तो बचना है हसीनो लो में आगे वाला सीन है। मंजू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ। और आप देखूंगी मैं आप कितने सखी हैं, कितनी सखावत है आपके अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन आप, और सियासी चार टाइम हम आपके लिए करते रहेंगे, सियासतदानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी सियासतदान से हम आपको मिलवाएं और जाने उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, जैसे कि वसान साहब ने आज बहुत सारी बातें की, गाने तक गाए, आप इनका ये रूप नहीं देख सकते सिवाय चार टाइम के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।